Hey guys, welcome back to Wardrobe Stories. I hope you all are doing good. आज की वीडियो है एक 3BHK होम टूर एंड बहुत सारी न्यू वीडियोस ऑन Amazon एंड Meesho होम डेकोर आर ऑन द वे. सो गाइस स्टे ट्यून्ड. अगर चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी सारी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाए. चलिए तो इस 3BHK का होम टूर स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग में ही एंट्री लेते ही आपको ये बिग कैनवास पेंटिंग यहाँ पे फॉयर एरिया में देखने के लिए मिलेगी जो काफी सुंदर लग रही थी. सिंपल है लेकिन काफी एलिगेंट है. तो इस तरीके की बड़ी पेंटिंग्स आप अपने फॉयर एरिया में लगा सकते हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा. साथ ही इसके अपोजिट में इस तरह से शोपीस वगैरह रखने के लिए इस तरह से ये रैक बनाई गई थी जो काफ़ी अच्छी लग रही थी. एंड यहाँ पे कुछ नेक नैक्स यहाँ पे डेकोरेट करके रखे गए हैं. फॉयर एरिया के बाद एंटर करते ही इस तरह का लिविंग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा. इस लिविंग रूम के बारे में डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये डाइनिंग एरिया. काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे बहुत लाइट थीम के साथ ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ डेकोरेट किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. 8 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखा गया है जिसपे इस तरह से कुछ कुछ निक नैक रख के इन्होंने डेकोरेट किया है. एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी व्हाइट कलर की वॉल क्लैडिंग. साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी यूनिट दिखेगी आपको जिसमें कि आप अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं. तो ये था डाइनिंग एरिया का एक छोटा सा टूर. वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मामा अर्थ के राइस रेंज के प्रोडक्ट्स. तो मैंने मामा अर्थ से लिया है ये राइस फेस स्क्रब, राइस डे क्रीम, राइस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. एंड मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट सेफ होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड दे आर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. साथ ही मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री होते हैं एंड वेगन फ्री होते हैं तो आप इजीली से यूज़ कर सकते हैं. प्लस मामा अर्थ जो है वो प्लास्टिक पॉजिटिव है. दे रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़. तो सबसे पहले बात करते हैं मामा अर्थ की राइस डे क्रीम की. इसमें आपको राइस वाटर एंड नियासिनामाइड मिलता है. SPF 30 के साथ ही आपको मिलता है. प्लस B3+ इसमें है एंड ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक ग्लास जैसी स्किन के लिए. इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेके अच्छे से आप मसाज कर सकते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे अप्लाई करने के बाद. नेक्स्ट प्रोडक्ट है मामा अर्थ का राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर. ये भी आपको राइस वाटर एंड नियासिनामाइड के साथ मिलता है. 24 आवर्स की हाइड्रेशन आपकी स्किन को देता है. B3+ के साथ ही आपको मिलता है एंड इसे यूज करना भी काफी ईजी है. छोटी सी क्वांटिटी आप अपने फेस पे लगा सकते हो. विद और विदाउट मेकअप आप इसे यूज कर सकते हो. बहुत लाइट वेट है एंड ऑयल फ्री है तो स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है. अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट है राइस फेस स्क्रब. राइस वाटर एंड नियासिनामाइड के साथ ये मिलता है. B3+ भी आपको इसमें मिलता है. कुछ इस तरीके का टेक्सचर है इसका. फॉर 20% ऑफ यूज कोड वार्डरोब 2022 एंड आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मामा अर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पे तो मिल ही जाएंगे. साथ ही नाइका पर्पल अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. तो चलिए अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ. न्यूट्रल कलर की शेड में इन्होंने ये लिविंग रूम क्रिएट किया है. ये नेस्टिंग टेबल मुझे काफ़ी अच्छी लगी. बहुत यूनिक डिज़ाइन एंड कलर है. वैसे तो बहुत ही न्यूट्रल कलर इन्होंने यूज़ किए हैं एंड हाईलाइट करने के लिए ये स्टेटमेंट चेयर यहाँ पे ऐड की है. एंड इस 3 सीटर सोफे के अपोजिट में ये टीवी यूनिट लगाया गया है वॉल क्लैडिंग के साथ जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है. एंड कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं. लिविंग रूम के साथ ही अटैच्ड बैल्कनी है तो काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है इस फ्लैट में. एंड लुक जो है पूरे लिविंग रूम का वो काफ़ी अच्छा है. अगर आप भी अपने घर का इंटीरियर करने का सोच रहे हैं तो कुछ इस तरीके की थीम अगर आप अपने घर को देखते तो काफ़ी अच्छा लगेगा. एंड यहाँ पे जो नेस्टिंग टेबल है वो भी काफ़ी यूनिक है एंड अच्छा है. इसका कारपेट का कलर भी जो है काफ़ी अच्छे से मैच करता हुआ है. तो ओवरऑल इस लिविंग रूम का लुक आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड रिसेंटली मैंने अपना कैंडल बिजनेस स्टार्ट किया है. मेरे पास सेंटेड कैंडल्स अवेलेबल है. अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट.
एंड जिन्होंने भी ये कैंडल्स ऑर्डर करी हैं उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिले हैं, आप इंस्टाग्राम पे हाईलाइट सेक्शन पे जाके वो देख सकते हैं। इन कैंडल्स को आप रक्षाबंधन में अपनी सिस्टर को या फिर अपने सिस्टर इन लॉ वगैरह को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। प्लस दिवाली आ रही है तो आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए प्लस गिफ्ट करने के लिए भी इन कैंडल्स को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जिसके साथ आपको ये अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा। तो ये फर्स्ट बेडरूम है जिसकी थीम इन्होंने ब्लू एंड ऑफ वाइट कलर की रखी गई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बेड जो है वो बहुत अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था एंड यहाँ पे आपको ये टीवी यूनिट देखने के लिए मिलेगा। इस रूम की हाईलाइट है ये वॉल पेंटिंग, आप अपने घर को इस तरह से कैनवास पेंटिंग के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। एंड कैनवास में भी जो कलर्स यूज़ करे गए हैं वो इस रूम की थीम के अकॉर्डिंग यूज़ की गए हैं, तो काफ़ी अच्छा एंड सटल लुक दे रहा है इस रूम को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आप अपने बेडरूम की थीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह के रग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए। एंड आजकल जो बहुत ट्रेंड में है वो है इस तरह के ब्लाइंड्स, कर्टेंस की जगह लोग जो हैं वो ब्लाइंड यूज़ करने लगे हैं, जो काफ़ी अच्छे भी रहते हैं, ईजी टू मेंटेन भी होते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इस तरह की वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप अपने घर में इंटीरियर करवा रहे हैं तो वार्डरोब में ही इस तरह से मिरर लगा सकते हैं, इससे आपको ड्रेसिंग टेबल अलग से लेने की या लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप किचन का एक लुक ले लेते हैं। कुछ इस तरह की थीम दी गई है किचन को, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सटल है एंड काफ़ी डिसेंट किचन है, स्पेस काफ़ी अच्छा है एंड किचन के साथ आपको ये अटैच्ड यूटिलिटी मिल रही है। तो चलिए चलते हैं अब सेकंड बेडरूम की तरफ, इसमें भी जो थीम दी गई है वो काफ़ी सटल कलर्स के साथ यूज़ करी गई है। तो ओवरऑल सारा जो सेटअप है वो पहले वाले बेडरूम की तरह ही है, लेकिन थोड़े से कलर्स इन्होंने चेंज किए हैं। इस रूम में जो थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे वो है ये लैंप्स, साइड टेबल्स पे ये लैंप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड काफ़ी सिंपल हैं एंड काफ़ी अच्छे लग रहे थे। आजकल जो फ्लैट्स बन रहे हैं उनके रूम का साइज थोड़ा छोटा ही रहता है, तो कोशिश ये होती है कि छोटे से स्पेस को मैक्सिमम किस तरह से यूटिलाइज किया जाए एंड मिनिमम तरीके से डेकोरेट किया जाए। तो अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ, इसके साथ आपको स्टार्टिंग में ही ये अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा। एंड ये जो थर्ड बेडरूम है इसकी थीम भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ऑफ वाइट एंड ब्लू कलर की थीम दी गई है एंड काफ़ी स्पेशियस लग रहा था ये रूम, तो काफ़ी सटल लुक दिया गया है इसको भी एंड इसका जो बेड है इसके लेग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इस रूम में बेड के पीछे आपको वॉल क्लैडिंग देखने के लिए मिलेगी, ओवरऑल इस रूम का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो इस तरह के डिज़ाइंस जो हैं आप अपने घर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड बैल्कनी भी मिल रही है, तो लाइट वगैरह बहुत अच्छी थी इस रूम में। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर होम डेकोर आइडियाज़। अमेज़न और मीशो होम डेकोर पे वीडियोस आपको बहुत जल्द इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी।